subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट। जैसा कि आपके इलम में है, आजकल सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और इसकी वजह से जो है सारी दुनिया की इकानमी का पट्टा बैठ गया है और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। और आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जो है वो दिसंबर 19 में फैला और फैलते फैलते तकरीबन 200 मुल्कों को इसने अपनी लपेट में ले लिया। स्पेन और इटली और पेरिस और अमेरिका ज़्यादातर इसके अफेक्ट हुए हैं लोग। इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 25,57,994 लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं सारी दुनिया में, और तकरीबन 17,07,688 के करीब डेथ हो चुकी है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान में जो है ग्राफ वो जो है मुसलसल ऊपर ही जा रहा है और अभी तक जो फिगर लेटेस्ट है वो 9,749 केसेस हैं और 209 के करीब हमारे यहाँ डेथ हो चुकी हैं। इससे पाकिस्तान की इकानमी जो है वो तकरीबन बैठ के रह गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तमाम कारोबार, तमाम कारखाने, तमाम फैक्ट्रीज सारे बंद हैं। और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं वो आप सबके सामने हैं। दूसरी एक और देखने में बात आई है, सिंध और सेंटर में आपस में चपकलिस जो है वो चल रही है और गवर्नमेंट ने पैकेजेस भी अनाउंस किए हैं, नकद पैसे भी दिए हैं। आर्मी के हवाले से ऑपरेशनली डिप्लॉयड है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और काफ़ी हमने चुपटे पे सवाल रखे। आज हमारे मेहमान हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल मुइनुद्दीन हैदर साहब, जो के जानी पहचानी शख्सियत हैं, इंटरनेशनली भी इनको सब जानते हैं। साबिक गवर्नर सिंध हैं, कोर कमांडर हैं, एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के और वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। तो ही हैज़ बीन वेयरिंग मैनी कैप्स और खुल के बात करते हैं और लगी लपेटी बात करते हैं, कोई इस तरह की कोई ऐसी इशू नहीं है इनके लिए, और इसीलिए ये जो है लोग इनको इनकी बात को सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हमने बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त मांगा है, मैं इनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के अंदर से थोड़ा सा टाइम निकाला, एक तो लॉकडाउन में ज़रा मुश्किल हो जाता है। वेलकम सर जनरल साहब, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे TNT नेटवर्क। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सर मैं जैसे कि शुरू में आपको बताया कि इस वक्त कोरोना की वजह से सारा मामला जो है वो ठप होके रह गया है और पाकिस्तान भी इक्वली अफेक्टेड हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस मसले को कोई अच्छी तरह से टैकल किया है या कोई कोताहियां हुई हैं? जैसा कि एलिगेशंस हैं इनके ऊपर के अफगानिस्तान का बॉर्डर था उसको भी ज़रा मिस हैंडल किया गया, इसी तरीके से एयरपोर्ट्स पर भी शुरू में मामला को ढीला छोड़ा गया, तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें, आप इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है कोरोना से फाइट का इतना ख़राब नहीं है और दुनिया के काफ़ी हलकों में इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लेकिन इसमें बिलहा शुरू में ताखीर हुई है और शुरू में हमने जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन थी उसको सही गेज नहीं किया और हमने बाकी जो अच्छे मुल्क के एग्जांपल हैं लाइक ताइवान, साउथ कोरिया, इनके जो है एग्जांपल से फ़ायदा नहीं उठाया बाय सीलिंग अवर बॉर्डर्स एंड स्टॉपिंग अवर एयरलाइन और बाकी लोगों का जो लॉकडाउन था शुरू में, लेकिन फिर आस्ता आस्ता जो है मेरे ख्याल में इफेक्टिव मेजर इख्तियार किए गए हैं, लेकिन मसला यही है कि लोगों की जानें ही बचानी हैं और साथ साथ में लोग अगर घर में बंद रहेंगे जो मजदूर हैं या जिन लोगों का रोज़मर्रा की आमदनी पे गुजारा है तो वो बहुत परेशानी में हो जाएंगे। हालांकि हुकूमत ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है
12,000 रुपये गरीब लोगों को देने का फी फैमिली, और राशन भी बहुत लोग बांट रहे हैं, गवर्नमेंट भी बांट रही है, सिंध हुकूमत भी बांट रही है, और बहुत सारे मुखिया हजरात और बहुत सारे अदारे जो हैं, अकूवत है, सिलानी है, ये अदारे जो हैं, रॉबिन हुड आर्मी है, वो तकसीम कर रहे हैं। लेकिन ये मसला इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, और इन लोगों तक पहुंचना जो है आसान काम नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी हद तक अपना जिम्मेदारी के साथ रोल अदा किया है, और सिंध हुकूमत ने मेरे ख्याल में शुरू में अच्छे स्टेप्स उठाए, और थोड़ी बहुत जो आपस में खटपट चल रही थी वफाक की, वो भी काफ़ी हद तक वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर जो कायम हुआ है, जहां सब पार्टीज के लोग भी बैठे हैं और फौज भी बैठी है, वहां अब यही खबर आ रही है कि हारमोनी कायम हो गई है और गुड वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गए हैं और मामला ठीक तरफ जा रहे हैं। सर, आपने जो बात की है कि राशन भी बांटा जा रहा है और 12,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं, इस महंगाई के दौर में जबकि लोगों की कमरें झुक चुकी हैं, उसमें 12,000 रुपये तो पीनट्स भी में नहीं आते हैं। एक आम आदमी जो गरीब आदमी है उसकी इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर की हुई है 15,000 रुपये, क्या 15,000 में क्या खाना पाना खा सकता है? और अभी जो जिनके चार चार पाँच पाँच बच्चे हैं, लोगों को आम शिकायत है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं कि जो राशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच रहा है तो एक ही फैमिली जो है वो अपने घर राशन इकट्ठा कर रही है, ये पोजीशन भी आई है। आप नहीं समझते कि ये इसको ज़रा बेहतर तरीके से किया जाता ताकि सबको जो डिज़र्विंग है उनको राशन मिलता? लोगों को शिकायत तो हमेशा रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि बदनज़मी जो है वो अपनी जगह कायम है। और दूसरा ज़मनी सवाल इसका ये है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, प्राइम मिनिस्टर लॉकडाउन के शुरू दिन से ही ख़िलाफ़ थे, जैसे आपने जिक्र किया कि डेली वेजेस वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनका क्या बनेगा, वो तो अभी भी मारे मारे वैसे ही फिर रहे हैं, तो वो तो परेशान है। वो तो देखें तमाम जो कारोबारी हल्का है वो तो सारा बैठ गया, तबाह बर्बाद हो गया, वो रोज़ाना कहते हैं हमने दुकानें खोलनी हैं, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये बड़ी संगीन होती जा रही है, लेकिन बाजार ऐसे लगता है कि अभी भी इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जी सर, मेरा अपना ख्याल ये है हुकूमत ने अपनी सी कोशिश की है, और ये आसान काम नहीं है कि हर जरूरतमंद तक जो है हुकूमत पहुंच जाए, खसूसन जबकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है सुबह में, और जिनका असर व रसूख नीचे लेवल के ऊपर ग्रास रूट पर ज़्यादा होता है वो है ही नहीं। फिर थोड़ा बहुत पार्टी का सिस्टम आ जाता है कि पीटीआई के लोग कोशिश करेंगे कि पीटीआई वालों को ज़्यादा गरीबों को जानते होंगे, पीपल पार्टी वाले ज़्यादा जो गरीब पीपल पार्टी वाले अपने गरीबों को ज़्यादा जानते होंगे, तो ये मसले तो हैं। और आप अपने लेवल पर भी देखते होंगे कि जब किसी को आप ज़कात देना चाहते हैं, किसी मुस्तहिक को ढूंढना चाहते हैं, तो आपके ख़ानदान में कोई आदमी हो जो उसका मुस्तहिक हो उसको तो आप जानते हैं, लेकिन अगर ख़ानदान में ना हो आपको तलाश करना पड़े तो आसान काम नहीं है ये। और ये शिकायतें हमेशा रहेंगी, और जब भी आप माइक लेकर घूमेंगे गाँव में शहर में पूछेंगे वो कहेंगे ये हमें कोई नहीं मिला जी, कुछ ना पैसा मिला है ना कोई हमारी तरफ आया है, और उन्होंने कहा तुमने तो राशन का थैला उठाया हुआ, जी इसमें अच्छी चीज़ें नहीं है, ये आउट ऑफ डेट है या एक्सपायर्ड हैं। इस किस्म की बातें हमारे कौम जो है थोड़ी सी इस मामले में शिकवे शिकायत ज़्यादा करती है। बाकी रहा पाकिस्तान के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और अल्लाह का शुक्र है गज़ाई ज़रूरियात जो हमारी हैं वो हम खुद पैदा कर रहे हैं, और मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में कोई आदमी आसानी से भूखा नहीं मर सकता, कोई ना कोई उसकी मदद को ज़रूर आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। मुश्किल ज़रूर हैं दिहाड़ी वालों को, क्योंकि खाली खाना तो नहीं है और भी खर्चे होते हैं, तो ये तो है। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास जो हमारे हालात हैं कि हम इतने कर्जों में डूबे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा पैकेज फिर भी मेरे ख्याल में निकाला गया है, अब अगर हमने 8 या 12 बिलियन डॉलर निकाले हैं तो अमरीका ने 2,000 जो है बिलियन निकाले हैं, तो जाहिर है कि हमारे रिसोर्सेज जैसे होंगे तो उतने ही हम तकसीम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो मुसलमान सोसाइटी है और पाकिस्तानी सोसाइटी है वो बहुत खैरात में, मदद करने में, डोनेशन में बहुत बिलीव करती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलजुल कर
इसका कोई ना कोई ऐसा हल निकाल लेंगे कि हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएं। आइडियल जन साहब, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और लोग खुलकर ज़कात देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन इसमें जो आपने देखा होगा कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने एक अपना स्टेटमेंट दिया है, आज अखबारों में है, कल भी था, कि अनकरीब सारी दुनिया में फूड की शॉर्टेज जो है वो एक्सपेक्टेड है अगर इकोनॉमी इसी तरह से ब्लीड करती रही। तो पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि जो दाम है चीज़ों के वो आसमान को छू रहे हैं और चीज़ों की कुछ थोड़ी बहुत शॉर्टेज जो है वो पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि फरा रवानी है। तो ये मतलब सिचुएशन जो है, जब कारखाने नहीं चलेंगे, जब फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, तो चीज़ें जब नहीं बनेंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप नहीं समझते कि हुकूमत को बतदरीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चलने की फौरन कोशिश करनी चाहिए ताकि जो स्टॉक हैं वो इम्प्रूव हो सकें। जी देखिए, कोई चीज़ें तो बहुत असेंशियल हैं जान बचाने वाली, खुराक सबसे पहले आती है, और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, पाकिस्तान में इंशाल्लाह खुराक की तंगी नहीं है। गंदम की फसल पंजाब में कट रही है, मैंने आज भी सुबह बात की है, पंजाब में भी की है, भागलपुर में भी की है, सिंध में भी गंदम की अच्छी फसल हुई है, हालांकि बेवक्त बारिशें और कहीं ज़्यादा बारी भी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की नस्बत नुकसान कम हुआ है और अच्छा क्रॉप है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो बाजार खुले हुए हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ों पर तो दुकानें बंद नहीं की गई, तो आपको जो स्टोर्स हैं और आपको जो परचून की दुकानें हैं वहाँ से जो दालें हैं, आटा है, चावल है, चीनी है, घी है, ये मिल रहे हैं। हाँ, कोई चीज़ें जो बहुत इस्तेमाल में नहीं आती उनकी शॉर्टेज है, लेकिन जिस तरह दवाइयाँ हैं तो वो हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है इस किस्म की एसेंशियल इंडस्ट्री को चलाने की। अब हुकूमत आस्था आस्था सेक्टर्स खोल रही है, शेख रशीद साहब ने कोई डेट दिया कि थोड़ी बहुत ट्रेनें भी चलाएंगे, और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर कहा खोल देंगे जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ जो उससे रिलेटेड है वो चल पड़ेंगी। तो इन्हें इन प्लान वे वो आस्ता आस्ता खोल रहे हैं, और दूसरे मुल्कों में जर्मनी और इनसे इस्तेफादा उठाते हुए कि ऐसा काम करें कि जान भी बच जाए, को रोजगार भी खुल जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो। इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन टू बैलेंस एक्चुअली। हम अभी सर थोड़ा वक्फा लेंगे, छोटी सी ब्रेक करेंगे और उसके बाद आएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं सवाल दे रहा हूँ कि आपने ये कहा है कि हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को सशन्ना दिया है कि वो खोल सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, दूसरे फार्मास्यूटिकल हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोविंसेस हैं वो सेंटर की बात को सर नहीं मानते। ये ओपन सीक्रेट है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। ये सूरत हाल संगीन जो है वो सिंध में आम तौर पर यही देखा जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं दे आर नॉट बींग इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो आप ये इसको कैसे देखते हैं, और ये सेंटर और सिंध, चूँकि कराची जो है ये हब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिससे पाकिस्तान का पहिया चलता है, तो अगर इनके मतलब आपस में ताल्लुकात इसी तरह से कशीदा रहे तो ये सेंटर और पंजाब तक महदूद नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होगा। सो लेट्स हैव ब्रेक। सर, आपको जाने, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था, ज़रा आप देखें आप क्या व्यू पॉइंट है उसके बारे में। मेरी नज़र में सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट में आजकल पहले के नस्बत जो गैप था या दूरी थी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या मिसगिविंग्स थी या कोऑपरेशन कम थी, मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और हुकूमत सिंध में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और उनके स्पोक्समैन जो हैं मुर्तजा वहाब साहब, सईद गनी साहब, वो कहते हैं कि हम फेडरल हुकूमत की जो डायरेक्शंस हैं उनको तस्लीम करेंगे, मानेंगे। दूसरी बात यह है
ये 18 अमेंडमेंट के बाद आपकी बात सही है, सूबों को बेनतहा पावर मिल गई हैं और ये तमाम काम जो है चाहे हेल्थ सेक्टर का हो, एजुकेशन सेक्टर का हो, इंडस्ट्री का हो, वो सब सूबों को चला गया है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि ये सूबे में जो हुकूमत है इसको भी तो ख्याल है कि इसने आवाम को अपने साथ मिला के रखना है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं डालना, उनको फ्रस्ट्रेट नहीं करना। वो आवाम भी देख रहे हैं कि दुनिया में किस मुल्क में इंडस्ट्री जर्मनी में पार्सल में खुल रही है या पंजाब में क्या हो रहा है, तो जाहिर है कि वो आवाम के प्रेशर के तहत यहाँ पर ऐसे फैसले उठाएंगे जो कि सिंध के सूबे के मफाद में भी होंगे और लोगों के मफाद में भी होंगे। तो सिंध हुकूमत ने कहा है हम 2-3 दिन में SOPs बना रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री खोली जाएगी, उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जाएंगे, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग को लागू किया जाएगा और किस तरह सैनिटाइजर इस्तेमाल होंगे और तमाम प्रिकॉशन लिए जाएंगे, और उसके बाद वो उम्मीद करते हैं कि आस्ता आस्ता वो इंडस्ट्री खोलेंगे और मेरे ख्याल से वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कदम मिला कर चलेंगे। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम और आस्ते आस्ते ये चीज़ें खुलनी शुरू हो जाएंगी। सर अभी कल ही की बात है, वज़ीर आला सिंध लाड़काना गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने जो बयान दिए हैं वो तो ऐसे हैं कि ये जो जंग जारी है इसका कोई ख़त्म होने का इम्कान नहीं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं ये लॉकडाउन अपनी मर्जी का चाह रहे हैं। जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो कहते हैं कि लॉकडाउन जो है उससे जो है वो आम आदमी मुतासर हो रहा है। अभी आपने जैसे कहा कि SOPs बना रहे हैं, अब ये इन्होंने कल ही जो बयान दिया है वो बड़ा जू मायने है, वो ये है, वो कहते हैं कि अगर वफाक के पास लॉकडाउन के हवाले से कोई बेहतर हल है तो हमें बताए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इम्पेडिमेंट्स हैं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस इशू। देखिए सब बात ये कि मैंने एक फ़ोटो अखबार में देखी है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए किस तरीके से लोग वो वहाँ पर प्रिकॉशंस ले रहे हैं और इन्हें प्लान में वो चल रहे हैं, जो SOPs इन्होंने बनाई हैं, जो SOPs इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये SOPs इम्प्लीमेंट करके इनको ओवरसी करना गवर्नमेंट के लिए आसान काम नहीं है। ना गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी मशीनरी है कि वो जो बेनतहा इंडस्ट्री सिंध में है वो हर इंडस्ट्री को देख सके। ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ख्याल करना पड़ेगा, मालकान को भी, ये तो लेबर लोगों को भी ख्याल करना पड़ेगा, आवाम को भी ख्याल करना पड़ेगा। मिलजुल कर ये काम जो है वो हम सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो आस्ते आस्ते इसको खोलेगी, लेकिन साथ साथ लोगों से कहेगी गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलें, जमघट्टे ना बनाएं, शादी हॉल और इस टाइप की जो है चीज़ें नहीं खोली जाएंगी। और मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत मस्जिद को भी खोलने के हक में नहीं थी, लेकिन एक 20 नुकाती फैसला हो गया है और उस पर लोग जो हैं वो कोई बहुत सिंगल माइंडेडली उसको बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तमाम दुनिया की मस्जिद हरम काबा शरीफ और रसूल सल्लम के रोज़े की मस्जिद भी बंद है तो पाकिस्तान के पास क्या जवाब है कि यहाँ की मस्जिदें खोल के ये बीमारी को बढ़ावा इससे हो सकता है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। आपने देखा होगा कि जो सिंध में लॉकडाउन है और जो शहरों में जिस वक्त ये सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक है तो सोशल डिस्टेंसिंग को तो आप छोड़ दें, वो तो ऐसे झमघटा नज़र आता है आपको हर जगह कि ट्रैफिक को देख लें, चलते हुए लोगों को देख लें। इन्होंने इसको इसका तोड़ दिया कि डबल सवारी पे, ये जो डबल सवारी पे पाबंदी लगाई है इससे मजीद समोजल हो गया है। लोग क्या करें, अपने बीवी के साथ जाना है, कहीं अस्पताल जाना है, कुछ चीज़ लेनी है, तो वो मतलब ये है कि इन लॉजिकल चीज़ें भी तो हो रही हैं यहाँ पर। मतलब यह है कि जो डबल सवारी पे अगर पाबंदी लगाई है, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो ऐसी पाबंदी मत लगाएं। चलान करना इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है कि आप मसले का हल तलाश करें, लोगों के मसाइल को हल करें। अगर आप जमघटा लगा देते हैं तो फिर लॉक
लॉकडाउन को खत्म करें, लॉकडाउन की क्या रिक्वायरमेंट रह जाती है? देखिए जी, हुकूमत तो डायरेक्शन दे रही है, लोगों को समझा रही है, उनसे कॉपरेशन की उम्मीद रख रही है, लेकिन हम आपको हमारी पब्लिक का पता है, वो तमाशा देखने के लिए बाहर निकल आती है। मैंने देखा था कि एक फोटो में कि एक बस्ती में लोग इकट्ठे होकर मुर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब जमगट्टा वहां किया हुआ है, जबकि हुकूमत के सेक्शन गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलो। और जहां तक था कि ये डबल सवारी पर खातून को ना बिठाएं, आज उसकी इजाजत मिल गई है कि बीवी को बिठाया जा सकता है, क्योंकि लोगों ने कहा बीवी तो घर में मियां के साथ ही होती है, अगर उसकी बीमारी लगी हुई है तो फिर अगर है या नहीं है तो उसको बैठने में क्या आदत, उसकी इजाजत आज खुल गई है। तो कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट लोगों की बातें भी सुन रही है, लेकिन साथ साथ उनको बता भी रही है कि गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलें, तमाशे ना बनाएं। लेकिन आपकी बात सही है, जब राशन बढ़ता है तो तमाम लोग लाइनें तोड़ देते हैं, जमगट्टा हो जाता है। और इसके अलावा ट्रैफिक के अंदर भी बहुत जो है इसी तरह का चक्कर है। वो ये बातें सही है, लेकिन ये तो अवाम की तरबियत की बात है कि अवाम जो है वो भी कोऑपरेट करें, और जब जाकर कोई मतलब जहाँ तक ताल्लुक है, ये कितने अरसे चलेगा, ये पीक कब पाकिस्तान में होगा, कब कंट्रोल में आएगा, इसके बारे में कोई बहुत हतमी राय फिलहाल नहीं दी जा सकती। और वो सही कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब कि इमरान खान साहब की भी ख्याल ये है कि मई में जाके पीक होगा, ज़रा कैसे जाएंगे, और ये भी यही लोगों को बता रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे, वो हिम्मत पकड़े रहें कि ये लॉकडाउन जो है चाहे सिलेक्टिव हो या थोड़े कुछ सेगमेंट खुले हों इंडस्ट्री के, दूसरों के बिजनेस के, और बहुत प्रेशर आ रहा है हुकूमत सिंध पर, तो मेरे ख्याल से वो इन्हें लिमिटेड में ये खोलना शुरू करेगी ताकि लोगों का रोजगार भी चलता रहे और साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशन भी चलते रहे। जहाँ तक सर सिविलियंस का ताल्लुक है, वो तो गवर्नमेंट अपने प्रिकॉशन ले रही है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है 1/3 जो है वो फाटा में डिप्लॉयड है, और 1/3 जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, और जो 1/3 है वो रिजर्व में रहती है, जो कि अपनी तैयारी में रहती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है और इसका जो इफ़ेक्ट है, क्या हमारी मसल्ला अफवाज पर भी असरअंदाज होगा? अगर होगा तो किस हद तक होगा, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस ली जा रही है? देखिए, जो फौज एलओसी पर डिप्लॉयड है तो वो जो मोर्चे उनके आगे हैं उस पर जो बंकर बने हुए हैं वो वहाँ पर साथ उनको ठहरना पड़ता है। एक बंकर में 5-5, 7-7 आदमी होते हैं, और अगर कोई पीस लोकेशन पर है तो बैरकों में होता है, बैरक में भी कई आदमी होते हैं, और आपको पता है कि एक बेड से दूसरे बेड का फासला 3-4 फुट होता है। तो इसके अलावा जो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ होना पड़ता है, लेकिन जितना डिसिप्लिन फौज में है और जितना ओवरसाइट जो हम चीज़ें देखते हैं उनको ओवरसी कर सकते हैं कि ये ऐसा काम ना हो, या किसी आदमी को नज़र ज़ुकाम या बुखार हो, तो मेरे ख्याल में फौज जो है ऐसा मुनज़्ज़म अदारा है कि वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पिन पॉइंट करके एडमिट कर सकती है। और फौज ने अपने तमाम अस्पतालों में इस किस्म की फैसिलिटीज़, आइसोलेशन वार्ड वगैरह क्रिएट किए हैं अपनी लोगों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। उन्होंने बहुत जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं, मुझे पता है कराची में एक्सपो सेंटर में हमारे यहाँ पर फौज ने 1200 बेड का आइसोलेशन बनाया है। अभी पिछले हफ्ते तक वहाँ पर कोई 20-25-30 आदमी जो थे वो ऑक्यूपाई उन्होंने बेड को किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल पब्लिक जो जहालत का सबूत देती है और अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो इम्पोज नहीं होने देती है, उसकी नस्बत बहुत डिसिप्लिन अदारा है, और वहाँ हर लेवल के ऊपर लोग एक दूसरे को जो है देख रहे हैं, हर लेवल के ऊपर वहाँ सेक्शन कमांडर भी है, प्लटून कमांडर भी है, तो वहाँ पर चांसेस कम हैं इसके फूटने के या फैलने के, और कंट्रोल करने के निस्पतन बेहतर चांसेस हैं। आपने देखा होगा कि सर ये जब कोरोना वायरस की वबा फैली है, उससे पहले जो सुपर पावर्स थी, बर्ड पावर जो मैटर करती हैं, मार्क थी मुल्क
लोगों के ऊपर बमबारी करना, लड़ाई झगड़ा, ये इस कदर तेजी से फैला हुआ था। अब आप देखें कि दिसंबर से लेकर अब तक तमाम कुव्वतें जो हैं, जिनके पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हाई टेक इक्विपमेंट है, मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सब आराम से बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो जंग छेड़ते हैं ये इंटेंशनल होती है, जानबूझकर होती है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ होती है, बेगुनाह लोगों को मारा जाता है। तो ये इससे एक सबक जो सामने आ रहा है कोरोना वायरस से कि दुनिया जो है वो अमन के साथ रह सकती है। आप एक सीनियर साबिक फौजी जनरल हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी, बहुत आपने सही कहा, और ये सोचने का मुकाम है, और ये अमेरिकन और दूसरे अदारे सब कह रहे हैं कि आपके पास डिफेंस एक्सपेंडिचर और डिफेंस की रिसर्च के लिए और ऐसे हथियार बनाने के लिए जिसपे इंसानों की जिंदगियां ली जाएं उसकी रिसर्च के लिए तो बहुत पैसा है, और बीमारी और ऐसी वबाएं उसकी फंडिंग जो है आपने पहले बंद ही कर दी थी, अगर वो बंद ना होती तो गालबा ऐसे बुरे हालात ना होते। आज आपके पास हाल ये है कि मिसाइलों से तो आपके डिपो भरे पड़े हैं, और आपके हवाई जहाजों से आपके अड्डे भरे पड़े हैं, बमों से भरे पड़े हैं, लेकिन आपके पास स्वाब नहीं है चेक करने का ये कोरोना वायरस का, और छीना झपटी हो रही है, एक मुल्क से किसी मुल्क के लिए चलता है, बीच में से हाईजैक हो जाता है मटेरियल, आपके पास पर्सनल इक्विपमेंट जो डॉक्टरों को बनानी है प्रोटेक्शन के लिए पीपीई वो नहीं है, उसके लिए एक रेस लगी हुई है दुनिया में कि जो मुल्क बनाना है उसको हासिल किया जाए। तो आप ये देखें कि भूख जिस तरीके से अभी आप हम बात कर रहे थे कि अगर लॉकडाउन होगा जिस तरह दुनिया के हालात पैदा हो गए हैं तो क्या बनेगा, भूखे नंगे लोग तो फिर सब दुनिया के लिए खतरा होते हैं, अमेरिका के लिए खतरा होंगे, वहां पर जो लोग भूखे होंगे वो भी बाहर निकल आएंगे। और दूसरी आपकी बात जो है बिल्कुल सही है, जितनी जंगें हो रही हैं और हो रही हैं थी पिछले 20-25 साल से, बल्कि ये बिल्कुल गैर जरूरी थी, अनजस्ट थी, और अपने हथियार बेचने के लिए और अपनी पॉलिसियां और रिसोर्सेज पर गरीब मुल्कों में कब्जा करने के लिए, उनको अपने क्लाइंट स्टेट बनाने के लिए, ये तमाम बातें हो रही थी, और इसमें अमेरिका इसको लीड कर रहा था और वेस्ट उनका साथ दे रहा था। अब वहां पर जो अमवात होने शुरू हुई है, यूरोप उनके सामने बेबस है और अमेरिका बेबस है, तो बहुत से तो हमारे मुल्ला यही कह रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब ज्यादा है। हमारा खत्ता जो सार्क का है या निस्पतन फिलहाल बहुत कैजुअलिटीज भी नहीं है, बहुत डेथ भी नहीं है फिलहाल, अल्लाह इसको ऐसे ही रखे, लेकिन वहां ज्यादा है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आपने कभी लीबिया पे चढ़ दौड़े, कभी इराक पे चढ़ दौड़े, कभी सीरिया में चढ़ दौड़े, कभी फलस्तीन में आपने जो हालात पैदा किए, जो कश्मीर में हालात हैं जिसके ऊपर आप खामोश हैं, ये तमाम जो अनजस्ट किस्म की पॉलिसियां दुनिया में हैं, तो ये उसी के जो है ना, अब जो है दुनिया सोचने में मजबूर हो गई है कि हमारी डायरेक्शन बड़ी पावर्स की गलत है। हमने भूख मिटाने में, हमने अफलास मिटाने में, हमने इलाज मालजे की सुविधा पैदा करने में, हमने अच्छे हालात एनवायरनमेंट में पैदा करने में, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, जो आपकी फैक्ट्रियां हर वक्त केमिकल्स जो है जो इस्तेमाल होते हैं हथियारों में बाकी चीज़ों में, वो सब दुनिया में जो है आपको पता है कि अपसेट कर रहे हैं बैलेंस को। ये सब बातें आजकल सोचने पे फिलोसफर मजबूर हो गए, और मुझे अभी जरा कोई नई राह निकलेगी इंशाल्लाह। अभी जरा वक्फा है थोड़ा ब्रेक का, तो आपकी इजाजत चाहिए होगी, थोड़ी देर में फिर वापस आते हैं जहां से सिलसिला तोड़ा है यहीं से। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सारी जितनी वर्ल्ड पावर्स हैं, सुपर पावर हैं, उन्होंने तो सामान हरब तो इतना बनाया कि सारी दुनिया के पीछे पड़ गए, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये अच्छी नहीं है, और हम अभी तीन महीने हो गए हैं, चौथा महीना शुरू होने वाला है,
तो इंशाल्लाह हम अगर इस वक्त इस अमन में रह सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है जंगी जुनून पैदा करें। इसके ऊपर आप एक दो जुमले बताएं तो फिर मैं दूसरा सवाल आपसे करूं। जी हाँ, बस हमें उम्मीद करते हैं कि दुनिया की जो पीस की लॉबी है, जो दुनिया के थिंकर्स फिलोसफर्स हैं, जो काफ़ी अरसे से इस बात को पॉइंट आउट करें, खुदारा दुनिया में इंसाफ कायम करें, लोगों को उनके हकूक दें, गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को ना दबाएं। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं फलस्तीन पे, कश्मीर पे, उन पे इंसाफ के तकाजों के मुताबिक उन पे अमल कराएं। दुनिया में जहां आपकी जंगों से लोग लाखों जो महाजरीन हो गए हैं, जो कैंप में पड़े बेसहारा, जान के पास खाने के इलाज मालजे की सूरत नहीं है, जो सूरत हाल आपने पैदा की है, आप उसका मदावा करें अभी। और जब हालात ठीक हों तो आप ये जंग का रास्ता गैर जरूरी लोगों पर ठूसने का छोड़ दें, और दुनिया में जो भूख है और लाश है और जो बीमारियां हैं, आप इन पर रिसर्च करें, इन्हीं पर रिसोर्सेज खर्च करें, और दुनिया में एक नया, मेरे ख्याल में आपको अभी जो है सोच लानी होगी और नए असूल लाने होंगे अमन के लिए और इंसाफ के लिए और इंसानियत को फ़रोग देने के लिए। आपने एनवायरमेंट के ऊपर और माहौलियात पर तवज्जो देनी होगी, जो बिनतहा में इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो एक और बहुत बड़ा ख़तरा है इंसानियत के लिए, इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी होगी। मेरे ख्याल में एक नई थिंकिंग वजूद में आएगी। ये भी इससे जाहिर हुआ है कि कैपिटलिस्ट माशरा जिस तरीके से चलता है वो आगे इस तरीके से चल नहीं पाएगा, जो हमें हालात नजर आ रहे हैं। अभी आप देखें कि क्या हो गया ऑयल इंडस्ट्री के साथ, और क्या उनके स्टॉक्स के साथ हो गया, और क्या ब्रिटेन वुड्स और इनके जो तौर तरीके उसके साथ क्या हो गया। मेरे ख्याल में रीथिंकिंग होगी और नई अप्रोचेज और नई राहें निकलेंगी इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ, मुझे उम्मीद है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि इस वक्त ऑयल जो है वो नेगेटिव पे चला गया है, और इससे यकीनन इकानमी जो है वो दुनिया की वो डामाडोल मजीद होगी। अब उनके पास तो स्टोरेज टैंक्स भी नहीं रहे लोगों के पास, और कुछ मुल्कों ने तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने ऑयल की मतलब यह है कि बंद कर दिया उन्होंने फर्दर इसकी जो है प्रोडक्शन जो है, तो इसका पाकिस्तान की इकानमी पे क्या असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि तमाम दुनिया में तेल की जो खपत है वो ना होने के बराबर रह गई है। ना कोई हवाई जहाज उड़ रहे हैं, ना कोई एयरलाइनें, वो सब ग्राउंडेड हैं, ना कोई बहुत शिप्स चल रहे हैं, ना बहुत गाड़ियां दौड़ रही हैं सड़कों पर, लोग लॉकडाउन में हैं। तो इस वक्त जब डिमांड ही नहीं है तो ज़ाहिर है प्रोडक्शन वो कहाँ से करेंगे, जब भी उनकी कीमत उसकी गिर गई है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ख्याल ये है कि $20-25 तक तेल जो है फी बैरल रहेगा अगले चंद महीनों में, तो पाकिस्तान के पास एक अल्लाह की तरफ से ये भेजा हुआ इस मुश्किल हालात में एक पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसका जो $12-14 billion का एनर्जी का बिल होता है वो तकरीबन हो सकता है कि आधे पर आ जाए, जिससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इम्प्रूव कर जाएंगे, जिससे हमारा कर्जा अदा करने की सकत भी बढ़ जाएगी। तो मैं तो इसमें सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ, और यही है कि अल्लाह मियाँ ये जो कोरोना आया है हमारे लिए आजमाइश, इसमें से कोई खैर के पहलू हमारे लिए निकाल दे, तो एक पहलू तो ये नज़र आ रहा है। दूसरा, लोग जब 3-2 महीने बंद रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि बहुत सी चीज़ें जो टोटली अनएसेंशियल थी, जिस पर वो पैसे बर्बाद करते थे, ये चेंज चली हुई है बर्गर्स की और कोको की और तो पिज़्ज़ों की, जो घर में आके हर वक्त लोग जो है वो मंगवाते थे, उसके बगैर गुजारा चल ही रहा है, तो बहुत से लोग अपने तौर तरीके सही कर लेंगे और बहुत से गैर ज़रूरी अखराजात से बच जाएंगे, और बहुत से गैर ज़रूरी जो शादियों में इस पर लुटाते हैं, उम्मीद है हर कोई सोचेगा और इससे अच्छे सबक नतायज अखज करेगा जो कौम के लिए फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। आपसे अब आखिरी
लम्हों में दो छोटे छोटे आप मैं सवाल आपसे करूँगा। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पर और वैसे भी अखबार में मुख्तलिफ़ किस्म की तरफ से बयान आ रहे हैं जिसमें कि जो रमज़ान शरीफ में मस्जिद को खोलने का ऐलान किया गया है, 20 नुकाती जो प्रोग्राम दिया गया है, वो तो एक मतलब यह है कि हम अभी बाहर जो हमें लॉकडाउन की कंसेशन दी गई है उसमें भी हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर हम कैसे करेंगे। आपने इसका ज़मनन ज़िक्र भी किया था कि जब सऊदी अरब में तमाम चीज़ें बंद हो सकती हैं तो पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो लोग कहते हैं कि हुकूमत जो है वो इसके उलमा के प्रेशर के नीचे आ गई है और उनको इनकी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देखना चाहिए था ओवरऑल, के जो 20 करोड़ आवाम की ज़िंदगी का सवाल है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ना कि चंद लोगों की ख्वाहिश पे मतलब यह है कि डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और लोगों की जान को ख़तरे में डालना, कोई एक आदमी जो बीमार है वो बहुत सारे लोगों को वहाँ मस्जिद में बीमार डाल दे, तो वो तो मतलब लोगों की ज़िंदगी से खेल रहा है, तो हम इसका हिस्सा क्यों बने। और जब देखिए बात यह कि हम क्या तमाम आलम इस्लाम जो है बाकी 57 मुल्कों से ज़्यादा कोई हम में अकल है या बहुत ज़्यादा हम उनसे ज़्यादा कोई मुसलमान हैं कि जब उनको देखते हुए इस खतरे को भांपते हुए, यानी कभी हम दिमाग में तसव्वुर नहीं ला सकते थे कि रसूलल्लाह सल्लम के रोज़े पे हाजिरी और वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकेंगे कोई गए या खाना काबा में, बट ये हो रहा है। तो हमको इससे सबक सीखना चाहिए और हम अपने उलमा से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने खुदारा अपने नजर सानी करें, मत लोगों की जिंदगी को खतरे में डालें। जो ये माहदा हुआ है 20 नुकाती मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हक में अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जो SOP 20 नुकात में तय पाई है कि 6 फुट का फासला रखो दो आदमियों के दरमियान नमाजियों के और दो सफ़ों के दरमियान 6 फुट का फासला रखो वगैरह वगैरह, 50 साल से ऊपर के लोग ना आए। उन्होंने कहा अगर इसको किसी ने खिलाफ वर्जी की तो हम फिर नजरसानी करेंगे, फिर मस्जिदों को बंद करेंगे, तो पहले ही इजाज़त देंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ से उठ कर आए हैं 20 नुकाती और लोगों ने कहा UNI नेशंस तो कह रही है कि 3 फुट का फासला काफ़ी है, तो नमाजी से दूसरे नमाजी तक 6 फुट के बजाय जो हम अग्री करके आए वो 3 फुट करने में मुजाकर नहीं है, दे आर गोइंग बैक ऑन देयर वर्ड ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से मेरी नज़र में एज ए पाकिस्तानी एज ए मुसलमान मैं समझता हूँ कि तरावी भी घर में वाजिब है, पढ़ सकते हैं और नमाज भी घर में पढ़ सकते हैं। अल्लाह इस चीज़ को देख रहा है, हमारी बातों को कबूल करेगा और मुझे उम्मीद है कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, अजाब नहीं हम पर इस वजह से नहीं आएगा। तो इस पर मौलवियों को उलमा को खुद नज़रसानी करके लोगों को कहना चाहिए कि अपने अपने घरों में इबादत करें और अल्लाह से इस्तग़फ़ार और तौबा करके अच्छे हालात की दुआ करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद है कि ज़रूर वो इस मामले पे नज़रसानी करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो एक नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो जो है इस पे लोगों को बड़े तहफ़ात हैं, सियासतदानों को भी तहफ़ात हैं, मीडिया के लोगों के भी तहफ़ात हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, उनके जो मालिक हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उनको गिरफ़्तार किया गया और रिमांड पर रिमांड चला जा रहा है। कोई अभी तक बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये अनफेयर ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है और जो वकला बरदरी है और सारी दुनिया से जो लोग हैं इसकी मजम्मत कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ इस कदर मामला जो है वो कहीं भटके हुए हम नज़र आते हैं, क्योंकि देयर वाज नीड फॉर हैविंग कैरिंग आउट सम रिफॉर्म्स इन दी अकाउंटेबिलिटी लॉज, उसका आर्डिनेंस भी आया उसके ऊपर सारा कुछ हुआ, लेकिन वो चूंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा है इसलिए वो अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो करते हैं। अगर किसी के इतनी आपके पास अगर एविडेंस इकट्ठी नहीं हुई है या ऐसा मजबूत केस नहीं बनता तो
उनको मतलब यह है कि आप बुलाते रहें और इन्वेस्टिगेशन करते रहें, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं ये जो नैब का ऑर्डिनेंस था उस जमाने में हम कैबिनेट में थे, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब ये आया था, और शुरू में अमजद साहब थे, उन्होंने न्यूट्रलिटी के साथ अच्छा काम किया और काफ़ी लोगों से टैक्सों की मद में या बैंक के जो ओवरड्राफ्ट और लोन्स लिए हुए थे अदा नहीं कर रहे थे इस किस्म के, और में काफ़ी अच्छा किरदार अदा किया। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने ही में हमने देखा कि जो लोग काफ लीग में आने को तैयार होते हैं उनके जो है वो माफ़ किए कर दिए जाते हैं जुराम, उनके साथ सख्ती नहीं होती। थोड़ा बहुत उस ज़माने में शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी मैं इसका हमेशा से नैब का सपोर्टर रहा, इस वजह से कि ये एक वाहिद अदारा है जिससे पाकिस्तान में लोग कुछ डरते हैं, कुछ घबराते हैं कि नैब ना पकड़ ले और इससे जो रिश्वत और करप्शन है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पिछले चंद सालों से मेरा नज़रिया तब्दील हो गया है और मैं समझता हूँ कि नैब को जिस तरह एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए और सबके साथ इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, वो नहीं हो रहा मेरी नज़र में। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसमें अपोजिशन के लोग जो हैं उनको ज़्यादा जो है पकड़ के उनको बंद कर दिया जाता है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी कहीं भागे नहीं जा रहे, मीर शकील रहमान कहीं भागे नहीं जा रहे, जब उनको बुलाते हैं वो हाजिर हो जाते हैं। इससे पहले मिफ्ता इस्माइल को पकड़ लिया था, एक बहुत अच्छा इकबाल उनको पकड़ लिया था, एहसन इकबाल। तो ये अच्छा मेरे ख्याल में नमूना पेश नहीं हो रहा। और हम उनसे पूछते हैं आपके इन्वेस्टिगेटर्स की क्वालिटी बहुत लो है, और वो सारा साल तक केस चलाए जाते हैं, कोई उसका हासिल वसूल नहीं निकलता, कुछ लोगों से पैसे जिस तरह वसूल होने चाहिए तेज़ी से नहीं होते। और मतलब मैं ना किसी पार्टी में हूँ, मैं एक पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, मेरी नज़र में नैब जो है वो अपने हदूद से बढ़ के बाहर लोगों को दुख और तकलीफ़ दे रही है। और मीर शकील रहमान साहब का मसला भी इसी तरह का है, अमीनुल हक साहब थे और मिफ्ता इस्माइल थे और ये जो है अपना खान अब्बासी साहब हुए और वो अपना एहसन इकबाल साहब हुए। भाई ये कहीं नहीं भागे जा रहे, ये आपके पास हाजिर हो रहे हैं, क्यों इनको बंद कर रहे हो, क्यों तकलीफ दे रहे हो, और क्या हासिल आपने करके दिया आज तक जिस तरह करना चाहिए? वैसे बोलते हैं हमने इतने पैसे रिकवर किए, थोड़े बहुत रिकवर कर लिए होंगे, वो महकमा एंटी करप्शन भी कर लेता है, बाकी लोग भी कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से नैब में फर्दर रिफॉर्म की ज़रूरत है और नैब को और जिम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है, नैब को अपने इमेज ठीक करने की ज़रूरत है कि दे शुड बी रिस्पेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट अदारा सर्विंग द कॉज ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट टेकिंग साइड्स और अननेसेसरी हरासिंग पीपल। पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुश्किल हालात हैं माशी तौर पर भी और करोड़ों की वजह से भी, लेकिन कौम मुश्किल हालात में ही पामर्दी से, जवाब मर्दी से, हिकमत से, डिसिप्लिन से इन चीज़ों पर काबू पाती हैं। तो पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि जो अल्लाह ने जिनको वसाइल दिया है वो ऐसे लोगों की मदद करें जो परेशानी में है, जिनके पास खाने को नहीं है। और इस वक्त जो है हुकूमत ऐसे फैसले करे कि जिसके साथ गरीब का भी ख्याल हो और इकॉनमी भी आस्ता आस्ता खुल जाए और हम डिसिप्लिन के साथ जो है, हमको डॉक्टर से एडवाइस मिलती है, हुकूमत से एडवाइस मिलती है इस बीमारी से पे काबू पाने के लिए, इससे बचने के लिए उस पर हमें अमल करना चाहिए, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस मुश्किल को टाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आपने जनरल साहब से सुना, दो टोक उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से ठीक है नुकसान हो रहा है, इकानमी को भी हो रहा है, लोगों को परेशानी भी है, लेकिन हो सकता है कि इससे कुछ बेहतरी के पहलू भी निकलें और हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के अंदर और एमुनिशन की रेस लगी हुई है, तो 3-4-5 महीने से कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि दुनिया जो है वो पीस में रह सकती है, आपस
के लड़ाई झगड़े जो हैं वो अक्रॉस दी टेबल बैठकर उनको हल किया जा सकता है। इसी तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से ये कहा है कि ये जो चपचलिश है ये नहीं होनी चाहिए, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनके इख्तियार में जो कुछ है वो अपनी तरफ से गरीब आवाम के लिए जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया है। कोई भी चीज़ जो है वो परफेक्ट तो होती नहीं, आपके कोई आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं होती, कहीं ना कहीं खामी रह जाती है। लोगों को राशन बांटना, 12,000 रुपये देना, ये एक अच्छी इब्तदा है। इससे पहले माजी में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जहाँ तक इसका ऑयल जो हुआ है इसका तो अब जब इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो ज़ाहिर है ये इससे बड़ा इफ़ेक्ट होगा इसका, और इसको अभी टाइम लगेगा। अब ये कोरोना वायरस कब तक चलता है किसी को कुछ पता नहीं है, और ये कितना अर्सा रहेगा। उन्होंने साथ जो नैब के हवाले से कहा कि उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, महकमे जो है वो होना चाहिए, चेक होता है, अकाउंटेबिलिटी लोगों की होती है, लोग डरते हैं ऐसे महकमों से। और उन्होंने यही मैसेज दिया है कि आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे होंगे, और जो खुशहाल लोग हैं जो जिनके पास पैसा है उनको चाहिए कि वो गरीबों की खुलकर मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें।